बेंगलुरु में एक ऐसी जूस की दुकान है जो जूस को ग्लास में सर्व नहीं करती, मतलब ना तो कोई प्लास्टिक वेस्ट, तो फिर ये जूस को सर्व कैसे करते हैं। आनंदराज एक रेडियो जॉकी थे और उनके पिताजी का एक जूस की दुकान था, लेकिन पिताजी गुजर जाने के बाद आनंद जी रेडियो जॉकी छोड़ के दुकान में आने लगे और आनंद जी हर रोज अपने दुकान से निकलने वाले वेस्ट के बारे में सोचकर परेशान हो जाते थे। और आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि हर साल लगभग 500 बिलियन प्लास्टिक कप का यूज किया जाता है। फिर एक दिन उनको एक गजब का आइडिया आया। वो हर फ्रूट को कुछ इस तरह से काटने लगे कि वो फ्रूट के छिलके को कंटेनर बना देते थे और अब वो कप का यूज करना ही छोड़ दिए। सोसाइटी कोई भी चीज को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती। ऐसा ही कुछ आनंद जी के साथ हुआ, उनका सेल्स एकदम से गिर गया, लेकिन आनंद जी अपने आइडिया को कभी चेंज नहीं किया। और एक दिन कुछ यंगस्टर ने उनकी दुकान पे विजिट किया और इस यूनिक आइडिया को सोशल मीडिया पे शेयर करके आनंद जी को अप्रिशिएट किया। इस इंसिडेंट के बाद आनंद जी के सब पूरी फेमस होने लगे और साथ ही पुराने कस्टमर भी आने लगे। दोस्तों, आनंद जी के इस इको फ्रेंडली आइडिया के लिए एक लाइक तो बनता।